कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई चाइना वाले कुछ भी खाते हैं, मतलब जो मिल गया, जो हिलता हुआ देख लिया वो खा लेते हैं। सांप वंशा, अरे अबे सांप है ये तो। अरे बाप रे बाप, अबे मुंह देखो कैसा निकाला हुआ है भाई पूरा। कुछ नहीं बोल के ना भाई, ये 7-8 किलो का तो होगा ही होगा, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। अरे बाप रे, 3-3, 4-4 किलो के होंगे, 5-5 किलो के होंगे। कुछ तो छोड़ दो मेरे भाई लोग। अबे भाई हद हो गई यार, यहाँ पे देखो। अबे बीटल की कौन सा कीड़ा यार, जो देख के हम लोग भाग जाते हैं, वो खा जाते हैं लोग। भाई थूक ना दे, थूक दे देना ऑक्टोपस, थूक देगा तो पूरा मुंह काला हो जाएगा। हम समझते थे कि भाई कोविड के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन भाई यहाँ की जो सी फूड मार्केट है ना, वो ग्रो करी है भाई कोविड के बाद ज्यादा कुछ। ये तो बाथरूम वाला कीड़ा लग रहा है यार। हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं चाइना के साउथ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड गुआंगडोंग प्रोविंस की कैपिटल गुआंगझो सिटी में हूं। एंड फिर आप में से ऑलमोस्ट सारे लोग गुआंगझो सिटी के बारे में सुने रहेंगे, क्योंकि भाई ये वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है चाइना की, और यहाँ पर आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे देखने मिलेगी। तो यार आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे गुआंगझो सिटी को, और स्पेशली भाई मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर है एक्जॉटिक सी फूड मार्केट। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई चाइना वाले कुछ भी खाते हैं, मतलब जो मिल गया, जो हिलता हुआ देख लिया वो खा लेते हैं। तो आज हम चलेंगे भाई यहाँ की सी फूड मार्केट में, और वहाँ देखेंगे भाई कितना सच है, कितना गलत है, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है भाई, बड़ी यूनिक यूनिक चीज़ देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से हमको जाना है यहाँ के मेट्रो स्टेशन पे, जो कि तकरीबन 700 से 800 मीटर दूर है। तो यार मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पर ना एक बिल्कुल अलग चाइना देखने मिल रहा है, जो कि भाई मैं अभी तक ऐसा चाइना कहीं नहीं देखा हूँ। यहाँ देखिए ना, यहाँ बिल्कुल ना साउथ ईस्ट एशिया वाली वाइब आ रही, जैसे वियतनाम में गलियाँ होती थी ना, होचीमिन सिटी में, हनोई में, ये बिल्कुल वैसी लग रही है। और यहाँ देखिए ऐसी हार्डवेयर वगैरह की दुकानें, और ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, और ये कुछ सिमिलर है भाई हांगकांग से, और हांगकांग भाई यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 100-120 किलोमीटर दूर है यहाँ से हांगकांग। तो और देखिए सुबह की कुछ ऐसी हलचल है यहाँ पर, देखिए सारा सामान यहाँ से इम्पोर्ट बहुत सारा होता है, क्या मालूम भाई ये इंडिया भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ से सामान जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके सारी चीज़ें वो इंडिया ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए वहाँ पर देखिए भाई पूरी इतनी बड़ी बड़ी ट्रक में पूरा सामान भर के यहाँ से जा रहा है, देखिए आगे भी एक ट्रक है। तो यार चाइना ना भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत आगे है। देखिए पूरी यहाँ आप लोगों को जो स्ट्रीट देख रहे हो ना, यहाँ पर सिर्फ यही काम चल रहा है, सामान यहाँ से लेके आने जाने वाला। ए चाचा ये क्या लेके जा रहे हो? और ये देखिए भाई जैकी श्रॉफ आ रहे हैं सामने से, क्या मस्त जगह यार गुआंगझो, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भाई ना ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग से अच्छा ना ऐसा कुछ लगता है, जहाँ पे आप लोगों का कल्चर और वहाँ के लोगों का काम काज देखने मिलता है, जो कि यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो यार मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और यहाँ पर भी देखिए सामान भर भर के रेडी रखा हुआ है। बाप रे बाप, ये देखो, ए भाई टी शर्ट पहन ले। ओ देखो छोटी सी लिफ्ट है वहाँ पे, जो सामान ऊपर लेके जा रही है। और बिल्डिंग देखिए ना भाई, ऐसा लग रहा है कि भाई ये पुरानी पुरानी तकरीबन 100-100 साल पुरानी बिल्डिंग लग रही है। और चाइना में दूसरे रीजन में जाओगे ना भाई, तो ऐसा लगेगा कि भाई 10-5 साल पहले या फिर कल ही बिल्डिंग बनी है नई वाली। देखिए हार्डवेयर क्या चाहिए भाई, पाना चाहिए, पकड़ चाहिए, ताला चाहिए, क्या चाहिए, सब मिलेगा अपने को यहाँ। देखो गली भी है छोटी छोटी, कोई भी कहीं से आ रहा जा रहा है। यार यहाँ पर एक चीज मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे देसी लोग देखने मिल रहे हैं भाई, और फॉरेनर बहुत सारे देखने मिल रहे हैं। तो देखिए हम पहुंच गए यहाँ के मेट्रो स्टेशन पे, यीडीलू अजीब सा नाम है। तो चलते हैं भाई अंदर से, और हमको यहाँ से जाना है, पहले सबसे चलेंगे हम सी फूड मार्केट यीडीलू स्टेशन पे। तो यार अंदर आ गए गुआंगझो की मेट्रो स्टेशन पे, और भाई अपने को टिकट के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं, अपने पास अली पे है, जो भाई काम बहुत आसान कर देता है। बस भाई सिटी सेलेक्ट करो और ये खुल गया भाई। सिर्फ यहाँ से हमको 2 स्टॉप जाना है भाई, ज़्यादा नहीं जाना है, 4 से 5 मिनट ही लगना है, बहुत पास में ये सी फूड मार्केट। चलिए भाई लाइन 6। तो यार 2 स्टॉप और 4 मिनट की मेट्रो राइड के बाद हम हमारे स्टॉप पे पहुंच गए वांगशा मेट्रो स्टेशन पे। और यार मैं आप लोगों को जो गुआंगझो सिटी दिखाया था, ये जगह भाई उसके बिल्कुल ऑपोजिट और बिल्कुल अलग लग रहा है यार। ये देखिए हम कहाँ थे, बस 4 मिनट की मेट्रो राइड लेके आए, और यहाँ बिल्कुल नज़ारा चेंज हो गया, ये बिल्कुल नई और मॉडर्न सिटी देखने मिली है भाई। ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर और भी ऐसी लंबी लंबी बिल्डिंग है, और अलग ऐसा बहुत ही ज़्यादा न्यू और स्काई स्क्रैपर वाला पार्ट देखने मिलेगा, ये तो भाई एक नॉर्मल सी जगह है। ये देखिए भाई यहाँ पर भी सारी बिल्डिंग है, यहाँ पर वॉक ओवर ब्रिज है, हमको उस तरफ जाना है, बस यहाँ से हम निकले और ऐसे कुछ सीन देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यार चाइना ना भाई, मतलब कहीं कुछ देखने मिलता है। तो देखिए भाई ये फूल वाली ब्रिज से हमको क्रॉस करके उस तरफ जाना है सी फूड मार्केट की तरफ में। और यहाँ देखिए सारी कुछ बाइक बहुत चलती है भाई चाइना में। ये ब्रिज के नीचे यहाँ पर अंकल बेच रहे हैं नारियल पानी, गन्ने का जूस,
ऐसा कुछ सीन है यहाँ का यार। इसलिए मुझे चाइना बहुत ज्यादा पसंद है भाई, यूरोप फेल है यार ये चाइना। मैं भाई इतना समझ गया हूँ घूम के कि यूरोप से ज्यादा अच्छा आर्किटेक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देखने मिलेगा। देखिए यूरोप टाइप की बिल्डिंग भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर चाइना में मैं पहली बार ऐसी प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर आप लोगों को बेगर भी देखने मिलेंगे, पैसा मांगने वाले लोग भी दिखेंगे। ऐसा यूजुअली दूसरे पार्ट में चाइना के ऐसा नहीं देखने मिलता है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा सिटी है तो इसलिए ऐसा कुछ सीन है। कि हमारी एंट्री हो रही है यहाँ की सी फूड मार्केट में, ये मेरा ख्याल है पीछे का पार्ट है इसलिए आप लोगों को गेट वगैरह देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन देखते हैं भाई यहाँ पर क्या क्या देखने मिला। अरे भाई ये क्या है भाई, सांप सांप वंश, अरे अबे अबे सांप है ये तो, वो भी जिंदा है सारे। अरे बाप रे बाप, जिंदा वो भी। अबे भाई साहब स्टार्टिंग ही क्या खतरनाक हुई है, देखिए यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, और ये सब में पूरा सांप भरा हुआ है, देखिए भर रहे हैं सांप। अरे भाई बहुत खतरनाक चीज दिखने वाली है यहाँ पे, मैं लिटरली स्पीचलेस हो गया, अब भी घुसा हूँ बस यहाँ पे ऐसी चीज भाई, मतलब अरे देखिए मुंह देखो कैसा निकाला हुआ है भाई पूरा। अरे बाप रे बाप, ये देखो क्या बोलूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, बस घुसे हमको ना एक मिनट भी नहीं है, देखिए एक तैर के आ रहे हैं सांप आगे। ए नहीं रे भाई चलो यहाँ से, देखिए यहाँ पर भी, अब कितना सांप कौन खाएगा, देखिए मुंह बाहर निकाल रहे हैं, बाप रे बाप। अबे बड़े बड़े हैं यार, मेरे ऊपर ना फेंक देख यार। हमको एंटर हुए दो मिनट भी नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज देखने मिल रही है ना भाई, मजा आने वाली है भाई। देखते हैं यहाँ पर और क्या देखने मिलता है। ये देखिए पूरा सामान भर भर के ना एक्सपोर्ट भी होता है, यहाँ से बाहर भी जाता है, इतनी सारी अलग अलग चीजें देखने मिलेगी भाई, मजा आएगी, मैं एक्साइटेड हूँ अब भाई ना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। इतनी एक्साइटमेंट स्टार्टिंग में नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद ना भाई एक्साइटमेंट बढ़ गई है, देखिए भाई क्या क्या चीज देखने मिलेगी। देखिए भाई काफी ज्यादा बड़ी मार्केट है, मुझे लगा था एक दो दुकान होगी, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दुकानें हैं। यहाँ देखो बड़े बड़े टैंक में मछलियां रखी हुई है, वो अंदर भी है ऊपर भी है। अबे भाई यहाँ केकड़ा देखो कितना बड़ा बड़ा है, अबे तेरी तो देखो सबका हाथ पैर बांध के रखे हैं, क्रेजी है भाई, बहुत बहुत अलग है यार ये मार्केट तो। अरे भाई यहाँ देखो तो शोपीस में बाहर भर भर के रखे हैं, अजीब अजीब चीज है भाई। यहाँ का जो मेन गेट है ये सामने वाला गेट है, हम यहाँ से आए हैं तो मैं सोच रहा भाई इस तरफ से एक्सप्लोर करना चालू करते हैं, ताकि भाई आते आते हम यहाँ से निकल जाएं बाहर। क्या है यार इतना बड़ा बड़ा केकड़ा कहाँ से लाए हैं, 10-12 किलो का तो होएगा ही। तो यार यहाँ तो बहुत तगड़ी वाली हलचल है हर जगह ना, यहाँ पर मछलियाँ और जो भाई कीड़ा मकौड़ा केकड़ा वकड़ा है ना वो ट्रक में डाल रहे हैं और यहाँ से भाई एक्सपोर्ट हो रहा है। तो देखते हैं भाई, ये देखो भाई झींगा वगैरह, ये तो सारी नॉर्मल चीजें हैं भाई, लेकिन जो अंदर मेन खतरनाक चीजें ना वो सब कुछ अंदर रखे हैं। ये देखिए जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन भी डाले हैं इसके अंदर, ताकि भाई जिंदा रहे। यहाँ पर भी झींगा है भाई साहब, ये देखिए केकड़ा केकड़ा झींगा। ओके आई सी, देखो भाई अरे ये क्या चीज है यार। अबे भाई ये क्या, ये कौन सा कीड़ा है, हिल रहा है यार, जिंदा है, सही आइटम है यार। यहाँ पर देखिए जो केकड़े में केकड़े को पूरा रस्सी से बांध के रखे भाई, हिले नहीं ताकि, और रेट लिखा हुआ है 288 yuan केजी है कि क्या है क्या पता, ज्यादा बड़ी मार्केट है यार, अभी तो हम स्टार्ट किए एक्सप्लोर करना। ओ भाई केकड़ा देखो साइज में, कुछ नहीं बोल के ना भाई ये 7-8 किलो का तो होगा ही होगा, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, तकरीबन भाई 2-2.5 फीट का, आप लोगों को कैमरे में इतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा। और ये देख, अरे बाप रे बाप ये क्या चीज है, ये कौन सा जानवर है, क्या क्या खाते हैं यार। यार मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बस लिटरली भाई मैं शौक हो गया हूँ देख के कि भाई दुनिया में क्या क्या चीजें खाते हैं, बस शौक हुआ भाई, जिसको जो खाना है खा सकता है भाई, मैं किसी को बुरा और भला कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई मैं सही में शौक हो गया हूँ। ये देखिए ना पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसी कुछ चीज देख रहा हूँ, पता नहीं क्या चीज है। देखिए यहाँ पर अच्छा ये स्नेल लग रहा है, देखिए छोटा छोटा स्नेल भी रखा हुआ है, वो देखिए वहां पर फिर से सांप है। ये सारी चीजें तो डेकोरेशन का आइटम है, डेकोरेशन का आइटम भी खा जाते हैं, क्या बात है यार। और भाई कितने कलरफुल आइटम है, और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ के जो यहाँ रहने वाले लोग हैं ना खरीदारी करने आए हैं, क्योंकि भाई चाइनीज लोग यहाँ वाले ना भाई सी फूड बहुत खाते हैं भाई यहाँ वाले, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे लोकल खरीदते हुए दिखेंगे भाई साहब। अरे इसका इसका वो देखो भाई जो काटने वाला रहता है ना, अबे काट ले तो उंगली निकल जाए यार, और सारे कुछ जिंदा है भाई, मरा कोई भी नहीं है इसमें से। यार सबसे यूनिक चीज ना मुझे यही लग रही है, देखिए ये बड़ा सा स्नेल है, अब इसको कैसे खाएंगे क्या पता यार, मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा स्नेल कभी नहीं देखा हूँ। और ये भाई देखिए सारी लोगों की आंख वगैरह भी दिख रही है, सारे कुछ जिंदा है। ये देखिए भाई
ये लॉबस्टर है कि क्या है इसके, इसका वो देखो इतना ज्यादा बड़ा है और आंख वाँख दिख रही है पूरा। उसको बांध के रखें ताकि काटे नहीं। और इसकी प्राइस देखिए 288 है, मतलब तकरीबन 3000 रुपए का आपको एक मिलेगा बड़ा सा। होगा भाई 5 किलो से कम का तो हो ही गई नहीं। और देखिए यहाँ पर भी ये बड़ा सा केकड़ा, जो भाई बड़ा केकड़ा बहुत सारा दिख रहा है यहाँ पे। हद हो गई यार यहाँ पे देखो। अबे बीटल है कि कौन सा कीड़ा यार, जो देख के हम लोग भाग जाते हैं वो खा जाते हैं लोग। कितना डेंजर लग रहा है यार, कितना ज्यादा डेंजर लग रहा है। अब इसको फ्राई करके खा जाएंगे। और यहाँ देखिए ये कौन सा कीड़ा है ये बताना भाई कमेंट करके, ये कौन सा कीड़ा है। ये तो समझ में आ रहा है भाई, कभी ना कभी देखे। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तो भाई चलते हैं देखते हैं और क्या क्या देखने मिलता है और कितना सरप्राइज मिलता है। ये बड़े वाले केकड़े लगते हैं यहाँ पर बहुत मिलते हैं यार, उंगली डाल दो तो चबा जाएं। अरे बाप, ये देखिए यहाँ पर स्क्विड है बड़ा सा। चलो स्क्विड तो समझ में आता है भाई, स्क्विड तो देखे हैं, लेकिन ये सारी चीज भाई पहली बार देख रहा हूँ मैं। देखिए चाचा टेंशन में बैठे हुए हैं। और यहाँ की एक बात मुझे अच्छी ये लगी ना भाई कि यहाँ पर कोई आके मना नहीं करता, हम खाते हैं वीडियो बना लो भाई, जो बनाना है हमको छुपाना नहीं है, जो समझना है समझो, वीडियो बनाना है वीडियो बनाओ, कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये अच्छी बात लगी मुझे। देखिए यहाँ पर ये कुछ झींगा अलग कर रहे हैं एक दूसरा, अच्छा क्वालिटी वाइज इधर उधर कर रहे हैं, जो क्वालिटी अच्छी है उधर खराब है इधर। भाई बहुत बड़ी मार्केट है यार, कहाँ से चलते आए, यहाँ भी इस तरफ भी है, जिस तरफ जा रहे हैं वहां पर एक हिस्सा है इसका। ओबे ये कितना ज्यादा कलरफुल है यार, ये देखो बहुत कलरफुल लग रहा है। उड़ के ऐसा डर लग रही है ना भाई कि उड़ के मुंह पे ना आ जाए यार, आ गया तो यार भारी पड़ जाएगा। कलरफुल देखिए लेकिन कितना ज्यादा है। और यहाँ पर देखिए भाई ऑक्टोपस, जिंदा ऑक्टोपस मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। अबे थूक ना दे, थूक दे देना ऑक्टोपस, थूक देगा तो पूरा मुंह काला हो जाएगा। ये कौन सा कीड़ा है, ये तो बाथरूम वाला कीड़ा लग रहा है यार। अबे तेरी तो ये तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा हूँ। ऐसा लग रहा है कि भाई ये कुछ इंटेस्टाइन जैसा लग रहा है, लेकिन ये कीड़ा है कोई तो भी। इसको साफ करके बेच रहे हैं, इसका बीच का पार्ट निकाल के वो निकाल दे। सासाऊ नाम का कोई कीड़ा है। इसके अंदर इसको साफ करके खाते हैं, जो बीच में काला काला दिख रहा है ना उसको निकाल के ऐसा करके खाते हैं। भाई साहब जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, चाइनीज जिंदाबाद। यहाँ थोड़ी ढंग की चीज़ है भाई, यहाँ थोड़ी ठीक ठाक चीज़ है जो लोग खाते हैं, मछलियाँ हैं। अबे पत्थर क्या है, अच्छा नहीं ये भी कुछ शी, ये भी कुछ शेल जैसा, इसके अंदर माल रहेगा। और ज़्यादातर जो यहाँ पे सी एनिमल है ना भाई, ये सारे कुछ जिंदा ही है, क्योंकि मेरा ख्याल है यार जिंदा रखते तो रेट ज़्यादा मिलता है और टेस्ट में भी कुछ 19-20 होता होगा यहाँ। केकड़ा कितना मिलता है यार यहाँ पे। ओए मछली हो रही है, बिस्मिल्लाह मछली आज बनेगी भाई डिनर में। देखो क्या तो भी कर रहे हैं भाई ये, अच्छा लग रहा है उसको, मर गई है कि क्या तो भी सीन है आज उसका डिनर है, डिनर में आएगी वो। और यहाँ पर ना भाई जगह जगह पे आप लोगों को ऐसे रेस्टोरेंट भी देखने मिलेंगे, आप यहाँ से एकदम लाइव जानवर पकड़ के लेके आओ, जिंदा जानवर ये सी फूड लेके आओ और यहाँ पर दे दो, ये बना के दे देंगे। तो यार यहाँ ये भी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है कि भाई एकदम फ्रेश फ्रेश वहाँ से जिंदा पकड़ के लेके आओ, वो अभी बना के देंगे हम। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे यार। वैसे ही मैं भाई सी फूड छूता ही नहीं हूँ, मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है, लेकिन यार फिर भी यहाँ पर आया हूँ। थोड़ी सी स्पेल अजीब सी आ रही है, लेकिन यार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये सारी चीज़ देखना ज़रूरी है, दुनिया देखना बहुत ज़रूरी है भाई। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर थोड़ी सी ना भाई एकदम मॉडर्न सी दुकान लग रही है, बाकी दुकानों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। पर इस दुकान में सारी नॉर्मल चीज़ें रखी हुई है, नॉर्मल क्या भाई यहाँ के हिसाब से नॉर्मल रखी हुई है, लेकिन यहाँ स्पेशली ना भाई ये चीज़ बहुत मिल रही है, स्नेल बड़े बड़े हैं यार भाई, 1-2 किलो से कम के नहीं होंगे, 1-2 क्या और ज़्यादा भी होगा। अजीब सा लग रहा है, व्हाट इज दिस, अच्छा कुछ तो भी नाम है भाई, ये स्नेल है दिख रहा है लेकिन ये भाई कुछ नहीं है, चाइनीज नाम होगा इसका, भाई वही खा रहे हैं लगता। मैं बहुत सारी सी फूड की मार्केट देखा हूँ भाई, तो सबसे एक्सट्रीम दिखी थी ना मुझे हुरगाडा इजिप्ट में लगी थी, लेकिन ये उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम, लिटरली बता रहा हूँ। और यहाँ पर वो भी बना हुआ है, देखिए भाई बनने के बाद कैसा लगेगा, ऐसा कुछ दिखेगा बनने के बाद। चाचा खरीदने आए अपने घर के लिए, आज डिनर में खाएंगे सी फूड। ढूंढो ढूंढो कौन सा कीड़ा खाएंगे आज। देखिए जाली रेडी है, खाली ऑर्डर दो जाली ऐसा हाथ मार के निकाल के देंगे आपको। यार मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ये बिल्डिंग के अंदर का जो भी सेक्शन है ना, यहाँ पर जो सारा चीज़ है ना वो पैक हो रही है, यहाँ बिक रही नहीं है, ये यहाँ से दूसरे देश में जाएगी।
और यहाँ जो सारे सी फूड के आइटम है ना भाई, वो सिर्फ यहाँ से नहीं मिलते, वो 20 देश से यहाँ आते भी हैं और यहाँ से कहीं और भी जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भाई, और ये कोविड के बाद उल्टा और बड़ी कम होने की जगह। भाई मैं ये सी फूड मार्केट में 1.5 घंटा और घूमने के बाद भाई अभी यहाँ पर आया हूँ, और ये चीज़ समझ गया भाई, जो आप लोगों को मैं मार्केट दिखाया हूँ वो सिर्फ 5 से 10% दिखाया हूँ भाई। इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट, इतनी ज़्यादा दुकानें, मैं आप लोगों को ज़्यादा और इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि भाई जो आप लोगों को चीज़ें दिखाया हूँ बस सिलर वैसी चीज़ें पूरी मार्केट में देखने मिल रही है। देखिए भाई, वो पूरी बिल्डिंग सी फूड मार्केट है, ये बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग, और ये पूरा तकरीबन ना यहाँ से 300-400 मीटर पूरा ऐसा मार्केट गई हुई है। यहाँ पर देखिए भाई, सारे ट्रेडर लोग भर रहे हैं गाड़ी वगैरह में, और मैं आ गया हूँ भाई जीजियांग नदी के पास। ये देखिए जो नदी देख रहे हो, ये है जीजियांग रिवर, शायद यहाँ से भाई एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ से भाई मछलियाँ पकड़ के लेके आते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पर पुरानी नावें भी आप लोगों को देखने मिलेगी। ये देखिए ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का, और यहाँ पर पूरे जो ट्रेडर हैं और सी फूड गाड़ी में भर रहे हैं। करोड़ों का धंधा होता है भाई दिन में, करोड़ों का, क्या मालूम भाई करोड़ से भी ज़्यादा। देखिए सांप कीड़े, हेलो नियाओ नियाओ नियाओ। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद ना भाई, अब बहुत ही सख्त आवश्यकता है भारतीय खाना खाने की। मैं अब नॉर्मल यहाँ का खाना तो भाई एटलीस्ट आज और एक दो दिन तो खा ही नहीं सकता, और लकीली भाई गुआंगझो में ना बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी है, बहुत सारे इंडियन लोग भी रहते हैं, तो इंडियन रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाएंगे भाई थोड़े टाइम में। देखो चाइनीज मछुआरे, तेरी तो गाड़ी कहाँ से लेके जा रहा है। मैं तो सोचा था कि भाई मेन गेट से हम निकलेंगे, लेकिन इतना बड़ा था ऐसा गोल, घूमते 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 जहाँ जा रहा है रास्ता मैं वहीं जाए जा रहा हूँ, और यहाँ पहुँच गया। अभी कौन सी जगह देखते हैं और बाहर निकलते हैं यहाँ से। और भाई ये जगह ना, अगर आप मुंबई में मनीष मार्केट घूमे रहोगे ना, वहाँ पर एक सी फूड मार्केट है छोटी सी, ये थोड़ी थोड़ी वैसी सिमिलर लग रही है मनीष मार्केट के आसपास का एरिया। आ गए हैं बाहर, लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है वो भाई, ऐसी चीज़ शायद ही कहीं और देखने मिलेगी चाइना को छोड़ के। ऐसे मैं बाहर आ गया हूँ, और उससे भी भाई क्रेजी चीज़ आप लोगों को अभी मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ बैठ के देखिए सर्च कर रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है, यहाँ द तंदूर रेस्टोरेंट है, टेस्ट बार ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट है, सब ठीक है भाई, नॉर्मल है, अशोका दिल्ली मिंट लीफ ये सारे कुछ इंडियन रेस्टोरेंट है। लेकिन भाई ये रेस्टोरेंट में बच्चा क्यों बेच रहा है, ये देखो किलो से, अबे ये क्या चीज़ है, बाकी तो चलो ठीक है, ये क्या सीन है। ये मजाक कर रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल का फोटो उसमें डाल दिया होटल वाले सेक्शन में, तो यार कुछ भी होता है, कुछ भी कोई भी कर सकता है। और देखिए यहाँ पे बस सामने देखिए सी फूड मार्केट है ये वाली, वहाँ से निकल के भाई यहाँ इतनी सुकून वाली जगह मिली ना भाई, ये यूरोपियन स्ट्रीट है कोई तो भी, यहाँ बैठने की जगह थी तो भाई पानी लेके यहाँ पर बैठ गया हूँ, और नज़ारा काफ़ी ठीक ठाक है यार, बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही पीस है यहाँ पे। तो बस 5-10 मिनट बैठते हैं, और जैसा कि बताया भाई इंडियन रेस्टोरेंट तो भरे पड़े हैं यहाँ पर। अभी यहाँ सामने ही मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से मेट्रो पकड़ के हम निकलेंगे, 10-5 मिनट थोड़ा बैठता हूँ। तो भाई देखिए ये कुछ मंगाया हूँ, खाना खा के काफी ज्यादा थकान भी होने लगी भाई, खाना खाते हैं ना एनर्जी की जगह ना भाई थकान आ जाती है। थोड़ा सा पार्सल जो खाना बच गया था वो भी ले लिया हूँ, पहले हॉस्टल रख देते हैं भाई, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर जहाँ हम आए थे ना, आप देखिए भाई वॉच की इतनी बड़ी होलसेल मार्केट है ना, इतनी सारी दुकानें, कम से कम ना भाई हजारों दुकान होगी वॉच की। तो यहाँ पर बहुत सारे जो इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोग हैं जो वॉच का बिजनेस करते हैं, यहाँ पे आके लेके जाते हैं वॉच। देखिए आप लोगों को ना बहुत सारे ना बाहर के लोग देखने मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए अफ्रीकन लोग, कोई और कंट्री के लोग। तो यहाँ पर भाई वॉच बहुत सस्ती मिलती है, और पूरी बड़ी सी मार्केट है ये, पूरा जो मॉल देख रहे हो ना बड़ा सा, इसके अंदर सिर्फ वॉच मिलती है। देखिए देखिए ये जगह का नाम है गुआंगझो किनशुन फैशन सिटी। तो यार मुझे लग रहा है ना भाई ये जो जगह है ना, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हब है, जो बाहर यहाँ से सामान लेके आते हैं ना भाई, जो लोग आते हैं चाइना से सामान लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ घड़ियाँ नहीं है भाई, थोड़ा आगे आएंगे ना यहाँ पर कपड़े मिल रहे हैं सारे, फ़ोन के कवर और फ़ोन की एसेसरीज मिल रही है, बैग मिल रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ के ना भाई यहाँ पर बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट है। और भाई स्पेशली जो अगर इंडिया से आते हैं या फिर कोई दूसरी कंट्री से आते हैं ना भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ सामान चाइना से लेने, तो ज़्यादातर भाई गुआंगझो ही आते हैं। देखिए यहाँ पर सारे ऑलमोस्ट आप लोगों को फॉरेनर ही देखने मिलेंगे जो चाइना के नहीं है। यहाँ पूरी बैग की मार्केट दिख रही है, देखिए होलसेल सेंटर, देखिए तो यहाँ होलसेल के सारे सामान, देखिए ये भी होलसेल की दुकान है, ये दुकान नहीं है भाई, पूरा बड़ा बड़ा जो मॉल देख रहे हो ना ये सारा कुछ होलसेल का ही है। यहाँ पर सारे चश्मा वगैरह मिल रहा है, ये तो फॉरेनर मार्केट है यार पूरी। तो यार खा पी के आप लोगों ने देखा, मैं हॉस्टल गया, मैं बोला थोड़े टाइम में निकलेंगे यहाँ से, लेकिन बैठे बैठे भाई कब नींद आ गई मालूम ही नहीं पड़ा। तो यार अभी फिर रात हो गई, तो बोला भाई रात हो गई अब जाएंगे कहाँ, अभी तो सारी चीज़ें बंद हो गई होगी, सब चीज़ भाई अंधेरा हो गया होगा, तो मैं देखते हैं कहीं ऐसे वॉक करके आते थोड़ा सा। तो मैं सर्च किया भाई कहाँ जाएं, तो मालूम पड़ा भाई पास में ही फ्लावर सिटी स्क्वायर नाम की एक जगह है। बोला चलते हैं भाई थोड़ा वॉक करके आ जाएंगे, आप लोगों को भी दिखा देंगे। लेकिन भाई यहाँ पर आया हूँ तो देखिए क्या देखने मिल रहा है,
अबे भाई ये क्या चीज है यार, लिटरली मैं शॉक हो गया हूँ भाई, ये क्या है? एक तरफ नहीं है, देखो चारों तरफ जहां नजर घुमाओगे ना भाई, और पीछे देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये जो पीछे ये वाला टावर तो देख रहे हो ना, जो रेनबो कलर का हुआ है, देखिए ये वाला टावर, ये भाई एक टाइम पे दुनिया का सबसे लंबा टावर था, लगभग 2000 फीट लंबा है हाइट उसकी, और मीटर में बोलेंगे तो भाई 603 मीटर लंबा वो टावर है। तो यार भाई क्या चल रहा है चाइना में यार, ये इतना अलग लेवल पर डेवलपमेंट। सुबह आप लोगों ने देखा था मैं कौन सा पार्ट दिखा रहा था ग्वांजो का, और अभी कहाँ पहुँच गए हम चलते फिरते, तो भाई शॉकिंग था, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। मैं बस बैठा था, मतलब चलते हैं आसपास, थोड़ा चल के आते हैं, वॉक करके आते हैं, यहाँ आया भाई मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करता, मुझे लगा था स्काई स्क्रैपर लेके, लेकिन ऐसा। तो यार चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा भाई ये एरिया भी दिखा देता हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या देखने मिलता है, क्या नज़ारे हैं यार। और वो देखिए, वो जो टावर के बारे में आप लोगों को बताया था, ये वाला टावर, ये है कैंटन टावर, 603 मीटर हाइट है, लेकिन वो अभी यहाँ से बहुत दूर है, तकरीबन यहाँ से ना भाई 5 किलोमीटर, 4 की 5 किलोमीटर दूर है, इसलिए भाई वो इतना छोटा लग रहा है, नहीं तो भाई वो एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा टावर हुआ करता था। और ये देखिए भाई, ये कोई तो भी मॉल है भाई, ये बिल्डिंग तो आएगी नहीं ऐसे फ्रेम में, अबे तेरी तो। आप लोगों को एक बात बता दूं, ये आपको देख के लगेगा कि भाई मैं कहीं जमीन पे चल रहा हूँ, मैं जमीन पे नहीं चल रहा हूँ, मैं जमीन से तकरीबन 3 माला ऊपर हूँ, और यहाँ पर ये लोग ऐसा गार्डन जैसा बना के रखे हैं, ऐसा लगेगा कि आपको जमीन पे हैं। ये देखिए देखिए भाई, एक ब्रिज पे चल रहा हूँ, एक फुट ओवर ब्रिज है, और ये सिर्फ ऐसी ब्रिज नहीं है, पूरी गोल हुई है, देखिए वहां से ऐसा गोल घूम के और उस तरफ भी गई है और इस तरफ भी गई है, तो मैं सोचा भाई इधर ही चलते हैं, यहाँ हरियाली काफी ज्यादा अच्छी है, और यहाँ पर गाड़ी वगैरह भी नहीं आएगी, ये ज्यादा भीड़ नहीं है अभी, जबकि 8:30 बज रहे हैं रात के। अब ये आदमी को देखो, अबे यार ये क्या कर रहा है भाई, सर पे खड़े होके गाना गा रहा है यार, वो भी कब से गा रहा होगा। इसको तो बनता है पैसा देना, मैं ये क्या सीन है यार। तो भाई क्या यूनिक टैलेंट है लोगों के पास भाई, वो अपना भाई वो सर के बल खड़े खड़े गाना गा रहे हैं, बोलो क्या टैलेंट है भाई। तो देखिए भाई ये तो सीढ़ी बंद की हुई है यार, ऊपर जाने वाली चालू है, नीचे जाने वाली बंद है। नीचे देखिए थोड़े से लोग हैं, और यहाँ पर बहुत सारे कार वगैरह के अच्छे अच्छे शोरूम आप लोगों को देखने मिलेंगे। तो चलते हैं यहाँ थोड़ा साइड में, और देखते हैं भाई कुछ खाने पीने मिला लेंगे, और ऐसे ही निकल जाएंगे। पर ये कार का शोरूम ना चाइना में आप लोगों को बहुत देखने मिलेगा, BYD, बिल्ड योर ड्रीम नाम है कार का, इंडिया में अभी तक आई नहीं है, लेकिन ये सारी गाड़ी ना इसकी इलेक्ट्रिक रहती है, और भाई बहुत खूबसूरत दिखती है, डिज़ाइन देखो खाली बहुत सही दिखती है यार, ये देखो। तो यार वहाँ पे तो मैं आप लोगों को वो कार का ब्रांड दिखाया था जो इंडिया में नहीं है, और इधर देखिए भाई ये हुआवे तो हमारे यहाँ मोबाइल बनाता है, लेकिन भाई यहाँ पर हुआवे कार बनाता है कि कार देखिए भाई, वो भी लग्जरियस कार बनाता है, देखिए सामने। और यार ऐसा कुछ सारा यहाँ पर सीन है, जो सारी पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ये सारे कुछ मॉल है, यहाँ पर शॉपिंग करना है तो आप आ सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी दुकान है, कैफेज है। तो यार ये चीज़ तो सारी मैं आप लोगों को चाइना में बहुत सारी जगह दिखा चुका हूँ, बहुत सारा भाई, तकरीबन आप समझ सकते हो मुझे चाइना में पिछले 6 महीने में 2 महीने में तो चाइना में रह चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ तो बहुत बार दिखा भी चुका हूँ और देख भी चुका हूँ। तो चलते हैं थोड़ा सा वॉक करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे थोड़े टाइम में।